ये अभी शाहविला में आ गया हूँ। हालांकि मैं जा रहा हूँ मानीला, तो ये जंगल है और ये जो पेड़ दिख रहा है इसके नीचे ही अफसरुल को खाया था मैन ईटर ने। ये पहले यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती थी तो ऊपर सड़क से पकड़ के टाइगर ले गया था। तो कई दिन तक सर्च चली बॉडी की, फिर फॉरेस्ट वालों ने जेसीबी से पूरा साफ करवाया। जब साफ करवाया तो फिर हाथ मिला, बाकी बॉडी तो नहीं मिली। वहाँ देख रहे हो आप बहुत सारे ग्रीन ग्रीन वो भी हैं। इसके बीच में ही कहीं बैठा था और यहाँ से रेगुलर रोर आती है, तो सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि आप यहाँ पे नाइट होल्ड करो। ये कोसी नदी है यहाँ पे, तो ऊपर छत से भी दिखता है, अदरवाइज ये रूम है और यहाँ से भी देख के यहाँ पे शाम को बैठा जा सकता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये पिलर देख रहे हो, ये हाथियों के लिए है। इसमें से वायर लटके होते हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाले, और हाथी इधर ना आए उसके लिए इंतज़ाम है। ये यहाँ पे पार्किंग है और ये पूरा टाइगरों का ही इलाका है। रूम में दिखा देता हूँ अभी आपको। इस तरह से रूम है, छोटा रूम है लेकिन नीट एंड क्लीन है। ये डबल बेड है वुडन, और ये टाइल्स लगी हुई हैं। ये रूम में अलमीरा दी हुई है। इस साइड ये एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है, टीवी। इतना मूविंग स्पेस है, दो लोगों के लिए ये रूम सफिशिएंट है। ये वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन मॉडर्न वॉशरूम है, टाइल्स लगी हैं। ये डब्ल्यूसी है, इतना स्पेस है, वॉशरूम बड़ा है। यहाँ देखेंगे आप तो मिरर लगा हुआ है, उसके नीचे वॉश मशीन, और दरवाजे भी मॉडर्न है। ये डॉगी को यहाँ पे भी टाइगर बनाया हुआ है ताकि इसको लेपर्ड लेके ना जाए। ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इससे स्ट्राइप्ड हाइना है। इस तरह से पूरा ये मेहंदी से कर देते हैं, जैसे वीरू ने किया था ना, उस तरीके से पूरा वो किया हुआ है। और बता रहे हैं, दीपक बता रहे हैं अभी कि कल बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, मतलब रात भर टाइगर यहाँ से बोल रहा था और गेस्ट सो भी नहीं पा रहे थे। ये अगर आप देखोगे तो ये हाथियों के लिए लोहे के वायर लटक रहे हैं। ये पास से देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग में है। इसको जैसे ही हाथी यहाँ से निकलता है उसको टच हो जाता है और करंट का झटका लगता है, वो भाग जाता है। नीचे से खुला हुआ है लेकिन हाथी के लिए बनाया गया है ये पूरे। तो ये है शाहविला, अच्छा है, व्यू बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात एकदम टाइगर के बीच में रहने का मज़ा इसमें मिलता है। लॉन वगैरह भी है, रूम्स मॉडर्न रूम है। ये दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ मानीला, हिल स्टेशन है, जिम कॉर्बेट से करीब है 70 किलोमीटर के आसपास। यहाँ से रानीखेत भी 80 किलोमीटर है, और मानीला फेमस है मंदिर के लिए, मानीला देवी मंदिर के लिए। तो ये वहाँ की स्टेयर्स हैं, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये गाड़ी पार्किंग, वो बहुत ही सुंदर जगह है, मीन्स बड़े बड़े से ग्रासलैंड्स टाइप के होते हैं, उसमें ये देवदार के पेड़, देवदार के पेड़ आपको पता है ऑलमोस्ट 7000 का जो एल्टीट्यूड होता है उस पर होते हैं। बाकी उधर बांझ के पेड़ भी हैं, रास्ते में पाइन के पेड़ थे, यानी कि चीड़, देवदार मतलब सेदार। तो अच्छा अनटच्ड हिल स्टेशन है, और बहुत ठंड हो रही है। देखिए मैंने जैकेट पहन ली है इस गर्मी के मौसम में, वो तो बाय चांस में, क्योंकि मानीला मेरी आइटनरी में था नहीं। मैं लेके आ गया था, गाड़ी में डाल के ले आया था, कि क्योंकि जंगली रिसॉर्ट में भी कई बार रात को ठंड लगती है, लेकिन काम आ गई जैकेट, अच्छी ठंड है। ये मंदिर की स्टेयर्स बनी है और बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। इस घंटे में तो मैं भी नहीं पहुंच पा रहा। ये जो हाइट थी, बड़े दिनों बाद मुझे लगता है बहुत सालों बाद ऐसा कुछ हुआ है कि किसी घंटे में मेरा हाथ नहीं पहुंचा है। ये घंटा लगाया इसलिए कि ज्यादा हाइट का घमंड मत करो।
इसलिए ज्यादा हाइट पे लगाया। ये वाला कम हाइट पे लगाया, जय मां नीरा देवी लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोग को एक बात पता है कि नहीं पता है, मुझे एक बार एक पंडित जी ने बताई थी, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था पचमढ़ी में जटाशंकर महादेव का मंदिर है, वहाँ उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि मंदिर में जब जाते हैं तो घंटा बजाना चाहिए, जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो घंटा नहीं बजाना चाहिए। ये भगवान को बताते हैं कि हम आ रहे हैं, जाते वक्त उनको बताते नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तब से मैं लौटते वक्त घंटा नहीं बजाता हूँ। ये मानिरा देवी का मंदिर है, अच्छा सुंदर सा बना हुआ है, एकदम साफ सुथरा मॉडर्न तरीके से बनाया है। हालांकि जो नक्काशी वगैरह बता रहे हैं कि पुराना मंदिर था और उसको रेनोवेट किया गया है। यज्ञशाला, वो शिव जी बैठे हैं, ये मेन मंदिर है, ये यज्ञशाला। ये पुराने जैसे जागेश्वर में मंदिर बने हैं, बागेश्वर में मंदिर बने हैं, उस स्टाइल के छोटे छोटे मंदिर बने हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कत्यूरी वंश से रिलेटेड होगा, क्योंकि ये जो स्टाइल थी कत्यूरी राजाओं की थी। तो पता करूंगा यहाँ की हिस्ट्री कि ये तो खैर जो मॉडर्न लोगों ने दान दिया उनका नाम लिखा है, लेकिन पता करता हूँ। ये भोले बाबा बैठे हैं, ये भोले बाबा, ये नंदी जी। दोस्तों, जैसा मैंने बोला था वो दो मंदिर देख के कि ये कत्यूरी राजाओं का लग रहा है, वही था। पंडित जी से पूछा तो कत्यूरी वंश ने ही निर्माण कराया था, क्योंकि ये स्टाइल उन्हीं का था। ये माता का मंदिर है, मम्मी भी फिर आई गई। मम्मी बोली ट्राई कर लेते हैं, तो सीढ़ी ज़्यादा नहीं लग रही, तो मम्मी ने भी दर्शन कर लिए। ये व्यू है यहाँ मंदिर का, और काफ़ी अच्छा, मीन्स अनटच्ड हिल स्टेशन है, लेकिन जो यहाँ के व्यू है ना वो अच्छे अच्छे हिल स्टेशन को मत करते हैं। तो अगर कभी आपका मन ऐसी जगह जाने का हो जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो लेकिन भीड़ भड़का ना हो, तो यही वो जगह है। तो येलो थ्रोट मार्टन है यहाँ पे, अभी भी ऊपर गया है, तो अभी वो देखिए झाड़ियाँ हिल रही हैं, वो गया, ये 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 गया इधर कूद के, ये वो झाड़ियाँ हिल रही हैं, दिख रही हैं शायद ऊपर आए, अभी भी दिख रहा है मुझे तो पेड़, वो सामने पेड़ है उसके ठीक नीचे, वो ये अब तो दिख गया, अब तो दिख गया, जूम करता हूँ, जूम, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये दिख गया क्लियर। दोस्तों, शाहविला में आ गया हूँ मोहन में। कल रात को पूरे टाइम कॉलिंग चली है, 3 बजे तक यहीं पे सांभर डिया यहीं बोल रहा था, दीपक ने बताया, लेकिन आज जो है एकदम काली घटा छाई हुई है, बारिश की संभावना है और आंधी आ रही है। देखो आप पेड़ कैसे हिल रहे हैं, और अगर बारिश आई तो टाइगर नहीं आएगा, फिर वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, डियर भी बैठ जाएंगे, कोई अपना जो मूवमेंट है उनकी बंद हो जाएगी, तो बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि ऐसी आंधी पानी में फिर वो जानवर निकलते नहीं है। ये पीकॉक की कॉल होनी शुरू हो गई है, देखते हैं क्या।
क्या होता है, अगर ज्यादा हवा आई तब तो बारिश नहीं आएगी। इधर बादल काफी घने हो रहे हैं, ये देखिए पिकॉक की कॉल हो रही है ना, ये देखिए ऊपर कैसे बादल तो बारिश की संभावना से भी बोल सकता है। ये वाली जो नॉर्मल आवाज जिसकी स्ट्रेस कॉल नहीं है, ये वाली तो बारिश देख के मोर खुश हो जाता ना। देखते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों शाहविला मोहान में हूँ और जबरदस्त बारिश आ गई है। ये देखिए आपको यहाँ दिख रही होगी लाइट के नीचे। अब बारिश रुकेगी तभी बात बनेगी। अगर बारिश नहीं रुकी ना, आज बहुत अच्छा चांस था टाइगर को देखने का यहाँ पे, या एटलीस्ट फील करने का, क्योंकि देखिए बिजली चमक रही है कितनी। यहाँ पे कल टाइगर था, और जब कल था तो आज भी होगा, क्योंकि आज पे इतना जल्दी मूव नहीं करता, और ये तो खैर उसका अड्डा ही है। तो लेकिन ये कि मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बारिश रुक जाए। ये बादल है, शायद चले जाएंगे, और ये बारिश अभी भी चल रही है, बादल गरज रहे हैं। इस साइड कोसी नदी है और वो पहाड़ है। फर्स्ट फ्लोर पे हैं हम, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की हाइट भी इतनी है कि टाइगर जंप नहीं कर सकता नॉर्मल में। जनरली आपको पता है टाइगर 12 फीट के आसपास जंप करता है, उससे ज़्यादा ऊपर है। और सेकेंड फ्लोर भी है देखने के लिए। इसका एडवांटेज ये है फर्स्ट फ्लोर का कि ये अपना रूम है, और रूम के सामने ही इस तरह से ये डेक बनी हुई है। एक तरह से आप समझ लो ये स्टेडियम है या बालकनी है। सामने आप देख सकते हो कि टाइगर है, कॉलिंग हो रही है, और आप अपने ही रूम के बाहर बैठ के देख सकते हो। और ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ पे कहीं से भी कॉल होगी तो गूंजेगी आवाज ये पूरा। और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं कि मोहान में टाइगर है कि नहीं है। सबको पता है बहुत सारे टाइगर मोहान में है। जितना हंगामा चल रहा था मैन ईटर का, वो सब मोहान का था। यही वो जगह थी जहां पे मैन ईटर ने अपना शिकार खाया था। तो ये पूरे जो पहाड़ है, कहीं से भी टाइगर इस जगह से उतर के नदी में जाते हैं, और ये पॉइंट है। लेकिन बारिश है कि बढ़ती ही जा रही है। देखो मैं अभी आपको थोड़ी देर में फिर बताता हूँ। वो सामने वाली लाइट सेंसर वाली अभी एकदम तेजी से जली थी, अभी डाउन हुई है, और कुत्ता लगातार तेजी से भौंका। जो एक सांस में कुत्ता भौंकता है ना, जैसा कि आप सभी देख सकते हो हिरन यहाँ पे है, और टाइगर जहाँ पे हमने टॉर्च मारी है टाइगर वहाँ पे है, और हिरन में मारी है टॉर्च जरा सर, हिरन में, ये रही हिरन और टाइगर वहाँ पे है। तो सब चौंकी हुई है, टाइगर पे हमने लाइट जैसी मारी टाइगर नीचे बैठ गया। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि कैसे भी करके टाइगर को कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। बंद कर लाइट, वहाँ पर ही हो। हाँ, अभी दोस्तों ये कॉल मतलब स्पॉटेड डियर की कॉल हुई है दूर से, सांबर की नहीं हुई है। और वो जो सोलर लाइट है वो अभी जल गई तेज, तो ऊपर दीपक छत पे खड़े हैं, आपको नहीं दिखेंगे अंधेरे में। और मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में हूँ, और रूम में मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो वो लाइट जल गई है। और कुत्ता बहुत भौंक रहे थे दो, अभी चुप हो गए हैं। तो इसके ऊपर चौड़ है, चौड़ मतलब जो चौड़ मतलब चौर होता है ना ग्रासलैंड में, उसको चौर बोलते हैं यहाँ के लैंग्वेज में। वहाँ हुई है, मीन्स अभी नज़दीक में कॉल नहीं हुई है। तो मैंने कहा एक बार रात का व्यू दिखा देता हूँ। ये बगल वाला कॉटेज है, और ये सामने ही यहाँ पे ही होता है टाइगर, और ये इधर। अब ये दीपक ऊपर से नीचे आ गए, इधर था सांबर, हाँ अभी यहाँ पे था सामने, यहाँ पे हाँ से इधर को गया, मैं इधर को देखा उसको, हाँ हाँ इधर को निकल गया सांबर, ये सिंगल था। लेकिन उसने कॉल नहीं करी ना, उसने नहीं करी, और मतलब डीआर ने कॉल करी थी ऊपर से, स्पॉटेड थी, हाँ से कॉल आई थी, मगर ज्यादा नहीं आई अभी। वही सोच रहा हूँ दो चार कॉल और आते तो कंटिन्यू पता लग जाता, ये कुछ खड़ा है इसका, इधर कहीं चली गई सांबर। अभी सब आएंगे, नीचे आते हैं, वो गया कुछ हिरन
टॉर्च लाइट आंख चमकी उजारा कुछ इधर जा रहा है हिरन जा रहा है या सांभर जा रहा है हाँ मुझे दिखी आंख देखिए हाँ हिरन आ गई हिरन आ गए हाँ हिरन तो आ गई हाँ तो बस उसके बाद अब टाइगर भी आएगा टाइगर भी आएगा हाँ वो देखो देखो साफ दिख रही थी ना हाँ ये दोस्तों इसमें आपको एक मिनट जूम करता हूँ ये देखो आप ये देखिए ब्लर हो गया थोड़ा कम करता हूँ ये देखिए आग दिख डियर दिख रहा है क्लियर दिख रहा है ना ब्लर है तो कोई बात नहीं वो बैठने का उसका अड्डा है बस उस दिन कम उस दिन तो वहाँ पे काफी देर बैठा था वो लखनऊ से गेस्ट आए थे मेरे पास तो उनने वहाँ पे देखा था टाइगर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी देर आधे एक घंटे तक हमने टाइगर देखा था और फिर उसके अनुराग जी जब आए थे उस दिन यहाँ पे देखा था यहाँ पे डियर चल रही थी और वहाँ पे टाइगर था तो वहाँ से टाइगर इधर को आया काफी हाँ वो अभी वो ये सांभर है क्या छोटा सांभर ये हिरन है स्पॉटेड डियर है काला क्यों दिख रहा है नहीं अभी बारिश से भीग गए ना अच्छा बारिश हुई अच्छा अच्छा हाँ मैं सिंगल ही है आज कोई ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हिरन कुछ भी नहीं अच्छा स्काई क्लियर हो गया अभी तो बहुत बारिश आई थी लेकिन अब पूरे तारे नजर आ रहे हैं आगे अकेला ही घूम रहा है आसपास होंगे अब इसकी रोशनी भी कि वही वाला सांबर तो नहीं है पक्का स्पॉटेड डियर है ये तो हिरन है सांबर नहीं है सांबर सांबर उधर ही सुबह का नजारा ऐसा है वो सामने कोसी नदी है जिम कॉर्बेट में ये मोहान इलाका है रात को यहाँ पे डियर आया था ये दो पेड़ के बीच से और टॉर्च मारी थी यहाँ पानी भी है शायद ये नहीं कल तो खैर बारिश हुई है उसका पानी होगा ये और वैसे टाइगर दिखता है कॉल एग्जैक्ट हुई नहीं प्रॉपरली ये जो सोलर लाइट है यहाँ की लाइट जल बुझ रही थी तो डियर निकला था दीपक ने देखा था लेकिन क्योंकि बारिश हो गई थी कल बहुत ज़्यादा तो टाइगर की मूवमेंट नहीं हुई कोई बात नहीं अगली बार देखता हूँ ऊपर चंद्रमा निकला हुआ है इस साइड पीछे आम के बगीचे हैं सामने पहाड़ और ये पूरा इलाका है टाइगर का कई टाइगर हैं यहाँ पे दो टाइगर जो पकड़े गए हैं एक मेल और फीमेल जो मैन ईटर एक्टिव थे वो भी वहीं यहीं पे थे थोड़ा ही आगे पकड़े गए हैं पनौत नाला के पास में और जो मैन ईटर टाइग्रेस थी उसके बच्चों ने भी यहीं पे टेरिटरी बना ली थी और एक बड़ा मेल टाइगर भी यहाँ पे है और जैसा मैंने पहले बताया था कि टाइगर ने अफसरुल को इसी रोड से पकड़ा था और पकड़ के नीचे लाया था और ये जो सफ़ेद पेड़ है इसके नीचे ही खाया था उसका हाथ यहीं से मिला था ये पिकॉक बैठा है यहाँ पे अभी कॉल कर रहा है लेकिन ये नॉर्मल उनकी आपस की जो कॉल है वो वाली है स्ट्रेस कॉल नहीं है ये ये किंगफिशर बैठा है दो दोस्तों ये देखिए ये किंगफिशर है ये किंगफिशर बैठा है बिल्कुल सामने ही है पेड़ पे ये देखिए ये डिस्टेंस है ये देखिए पीकॉक बैठा हुआ है सामने पेड़ पे ये अच्छे बड़े पंख हैं इनके पंख झड़ जाते हैं कब अक्टूबर में झड़ते हैं कब झड़ते हैं मानसून के बाद ना मानसून के बाद इनके पंख झड़ जाते हैं फिर दोबारा निकल आते हैं दो मोर मुझे वीडियो में भी आ गए तो नाचते हुए दिखे थे मोर के नाचते हुए वीडियो मेरे पास ही पड़ी है हाँ बनाते रहता हूँ वीडियो हाँ हाँ और नदी यहाँ से कितनी दूर है बस वो जो सामने वो पेड़ दिख रहा है उसके पीछे नदी होगी ना ये सब पूरी नदी का आ गया अभी पानी कम है तो जैसे पानी का लेवल कम अच्छा यहाँ तक आती नदी यहाँ पूरी नदी बह जाती है बारिश में बरसात में बारिश में आने लायक क्यों तब डर भी तो लगेगा आपको ये ज्यादा पानी है इधर भी आ सकता है
पानी आ सकता है नहीं वो नहीं कह रही मेरा जंगल एकदम हरा भरा हो जाएगा नहीं उसको और दिखना बंद हो जाता है दिखता है अच्छा अच्छा जितना हरा भरा होगा उतना ज्यादा दिखेगा क्योंकि जानवर और ज्यादा अच्छा डियर आते हैं लेकिन वो टॉर्च मार के टाइगर कहाँ दिखेगा दिख जाए जब वो उन्हें फॉरेस्ट वालों ने जो काटी जेसीबी से झाड़ियाँ सारी झाड़ियाँ थपड़ा रही हैं तो कितनी बड़ी झाड़ियाँ थी उस टाइम पे बहुत ऊंची थी इतनी ये हमें आगे कुछ दिखता ही नहीं था नहीं दिखता था ना तो जब वो खा रहा हो गया तो आवाज तो खाते वक्त तो टाइगर गुर्राने की आवाज करता है ना नहीं आती थी आवाज आई आवाज यहाँ से गुर्राने की आवाज भी आई और जब उसको लेके जब वहाँ से नीचे से जब उसको लेके आया जब वो लड़का भागा उसमें चिल्लाने की आवाज भी आई हम लोग कुछ चौंक गए हमका हुआ क्या अच्छा पता लगा हमें कि वहाँ पे उसको मार दिया करके फिर जाके हम लोग गए फिर हमने देखा वहाँ से नीचे रोड से लेके कुछ लोग वहाँ तक आए फिर वहाँ से वापस हो गए वहाँ से वापस हो गए रात को रिक्शा है कितने बजे 6 बजे हुआ था कितने बजे 6:40 के आसपास की बात होगी 40 या 15 7 बजे तक की मेरे ख्याल से इतना ही हुआ इससे ज्यादा नहीं अच्छा यहीं पे मारा था ना उसको पकड़ा कहाँ था उसको अच्छा यहाँ वो बैंड है ना ये बैंड पे पकड़ा था और यहाँ पे सिमर की पेड़ी है यहाँ लेके आया था उस टाइम पे बहुत बड़ी झेड़िया थी बेज हो रहे थे तो इसके लिए जानवर क्या है थोड़ा सा तो ये वो फिर उसका हाथ तो 2-3 दिन बाद मिला था ना पहले दिन तो नहीं मिला दूसरे दिन मिल गया मिल गया था क्योंकि 4 जेसीबी लगाई थी आपको उस टाइम पे एक जेसीबी यहाँ लग वहाँ से अंदर घुसी थी एक जेसीबी यहाँ लगी थी एक जेसीबी इधर लगी थी एक जेसीबी वो पुलिस से लगी मतलब सबको डाउट हो गया था यही मिलेगा हाँ यही मिलेगा ढूंढने लगे तो फिर मिलने गए तो पता नहीं क्या क्या मिला वहाँ हिरन का सर कितनों का सर मिलते रहे उसके बहुत से और मेरे ख्याल से 3 टाइगर ने खाया था उसको ना हाँ, दो कप्स और दो तो पकड़ दिया भी अभी तो वैसे बता रहे हैं कि आप कोई खतरा नहीं है फिर भी टाइगर तो है नहीं नहीं एक तो मेरे ख्याल से अभी वो मेरे ख्याल से खाने वाले पकड़ दिए खाने वाले दोनों पकड़ लिए हाँ दोनों पकड़ लिए खाने वाले क्योंकि खटीमा में अभी अटैक दोबारा हो गया कल एक जो टाइगर ने मारा था ना आदमी को केवल सिंह को मारा था एक और अटैक कल हो गया टाइगर तो अब एक नहीं है क्योंकि अभी पहाड़ में भी जब दो टाइगर ने मारा था दो टाइगर वो भी है टाइगर वो तो पकड़ गए उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई नहीं आई अभी जो दूसरा पकड़ा गया था उसकी आ गई अभी कल ही आई है कल आई है क्या पक्का हो गया पक्का हो गया उसके तो पक्का हो गया क्या हुई है वो भी लिखा हुआ है कि टाइगर आदमखोर नहीं है और जो जंगल में गया उन्हीं को मारा जो जो जंगल में जंगल में रोड देखो मार की छोड़ा थोड़े नहीं नहीं, नहीं वो एक्चुअली वो वहाँ कुत्ता है क्या उधर कुत्ता जाता नहीं जाता वो देखो वो हिल रहा है वहाँ पर ये दो पेड़ के बीच से अभी इधर को आ गया बड़ी जबरीली सी काली पूंछ है कुत्ता उधर जाता है, अपने टाइगर कहाँ है? नहीं, अपने तो नहीं वो वाला नहीं है सफेद वाला एकदम काला है उस दीवार के पीछे झाड़ी में था व्हाइट कुछ भी नहीं है बिल्कुल ब्लैक है मोर भी हो सकता है मोर की पूछ हो ऐसे जबरीली पूछ भी हो सकता है मोर हो वो वो सामने रोड चल रही है वहाँ से जहाँ से हम निकलते हैं अभी जाएंगे वो रोड ट्रक आ रहा है जो अपना शाह विला है उसमें विंडो पे अच्छी स्टील की ग्रिल लगाई हुई है आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई आप टाइगर टेरिटरी में हो लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है विंडो से बाहर जंगल दिख रहा है पहाड़ दिख रहा है सामने बालकनी दिख रही है बेड पर लेटे हुए विंडो में भी ग्रिल है दरवाजे पर जाली वाला दरवाजा है फिर ये प्रॉपर दरवाज़ा है ऊपर रोशनदान है ज़रूरत पड़ने पे अगर खोलना चाहो एसी तो लगा ही है इस तरह से रूफ है और एकदम नीट एंड क्लीन क्विल्ट्स हैं क्विल्ट्स कवर हैं अच्छा कंफर्टेबल है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है आप देख रहे हो कि पूरा ग्रेनाइट का फ्लोरिंग है बाहर भी अंदर भी फर्नीचर भी अच्छा है और डोर्स भी आप देखोगे तो मॉडर्न डोर्स हैं तो अगर आप स्टे करने आओगे तो आपको कंफर्टेबल भी लगेगा अच्छा भी लगेगा और वाइल्ड लाइफ की फील तो है ही ऐसा लग रहा है जैसे थिएटर में बैठे हैं सामने टाइगर शो चल रहा है।